दोस्तों नमस्कार, आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की तरफ। खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए एंग्लो इंडियन न्यूज के साथ। खबर बिल्लौर कानपुर नगर से, जहां सिपाहियों ने कार्यक्रम आयोजित कर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का किया जोरदार स्वागत। जनता के हितों के लिए हुकूमत बदलना खुदा की इबादत से बड़ी इबादत है। जानकारी के अनुसार सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के राष्ट्रीय सचिव मौलाना इरफान उल हक कादरी के बिल्हौर नगर आगमन पर क्षेत्रीय सपा कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम आयोजित कर जोरदार स्वागत किया। स्वागत के उपरांत उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार को निशाने पर लेते हुए जनता के हितों के लिए हुकूमत को बदलना खुदा की इबादत से बड़ी इबादत बताया। कार्यक्रम का संचालन अजीज खान ने किया। उक्त अवसर पर रामलखन गौतम, कल्याण सिंह दोहरे, हाफिज एजाज, अकील खान, रुक्षर आलम, शानू सभासद, आफ्ताब आलम, बबलू खान, जीसान अंसारी, शाह आलम, सहजाद अंसारी, रामचंद कुरील, गिरीश कुरील व फैजान आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम सपा नेता बबलू खान, हाफिज एजाज, अकील खान, शहबाज अहमद, शाह आलम आदि के नेतृत्व में संपन्न हुआ। युवा हृदय सम्राट सपा नेता बबलू खान ने कहा कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार, अपराध, लूट, महंगाई व दुराचार ने सभी सीमाओं को लांघ लिया है। वहीं रामलखन गौतम व कल्याण सिंह दोहरे आदि ने बताया कि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ के राष्ट्रीय सचिव मौलाना इरफानुल हक कादरी को सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कस्बे में सपाइयों में पहले से ही खुशी का माहौल था। मंगलवार को उनके प्रथम नगर आगमन पर पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ साथ सभी कार्यकर्ताओं ने बड़े जोरदार तहे दिल से स्वागत किया। आइए जानें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने क्या कुछ कहा। बिल्लौर कानपुर नगर से संवाददाता संजय त्रिपाठी की रिपोर्ट एंग्लो इंडियन न्यूज सर्च के तहत। सर, आज आपका बिल्लौर में आगमन हुआ, यहाँ पर आपके सभी साथियों ने स्वागत किया, सम्मान किया, कहीं ना कहीं पार्टी को मजबूत करने के लिए ये सब जरूरी चीज़ें होती हैं, लोगों से मिलना जुलना, बैठक करना। सर, हम जानना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी किन मुद्दों पर आगामी चुनाव में आएगी, कौन से प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन सी प्राथमिकताएं होंगी? समाजवादी पार्टी का एक सूत्री एजेंडा है और वो है विकास। पिछले चुनाव में भी हम लोग विकास के नाम पर ही जनता के बीच गए थे। माननीय अखिलेश यादव जी ने 2012 से 17 तक प्रदेश में जो विकास और तरक्की के काम किए वो किसी से ढके छुपे नहीं है। समाजवादी पार्टी का एक सूत्री एजेंडा है, वो है विकास और आपसी सौहार्द, भाईचारा। सर, आपको क्यों लगता है कि इस बार पार्टी आएगी, किन मुद्दों पर आएगी, क्या कुछ आपकी उपलब्धियां रही हैं पूर्व काल में और क्यों लोग आपको चुने हैं? पूर्व में चूँकि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह का नफरत का एजेंडा चलाया और धर्म और जात की राजनीति की। माननीय अखिलेश यादव जी ने जो विकास और तरक्की के काम किए, चाहे वो एक्सप्रेस वे हो, चाहे मेट्रो हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे कन्या विद्याधन हो, मतलब एक दो स्कीमें नहीं हैं, सैकड़ों ऐसी स्कीमें हैं जो जनहित में पूरी तरह से थी, जिसमें किसान, मजदूर, गरीब तबके के लोगों का भला हुआ। हम अपनी तमाम उन्हीं नीतियों को अब जनता के बीच में रखेंगे और आगे का एजेंडा भी हमारा उसी विकास तरक्की को आगे बढ़ाने का है और अपने मुल्क में, सूबे में आपसी सौहार्द, भाईचारा कायम करने का। यदि अब की बार पुनः यहाँ की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी को चुनती है तो क्या कुछ प्राथमिकताएं होंगी, आगे कार्य योजनाएं क्या होंगी, किस आधार पर आप लोगों से वोट मांग रहे हैं? माननीय अखिलेश यादव जी की जो साफ सुथरी छवि है जी, और युवा हैं, विदेश में पढ़े हैं, उन्हें मालूम है कि हमें अपने प्रदेश की तरक्की किन नीतियों, उसूलों की आधारशिला रखे की जाएगी। तो माननीय अखिलेश यादव जी में एक विज़न है, एक सोच है, एक क्षमता है और वो हमेशा सबको साथ लेके चल के सारे धर्मों और जातियों का आदर करके, मुझे उम्मीद है
कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी से आप देख रहे हैं एंग्लो इंडियन न्यूज़। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि खबरों के अपडेट आपको मिलती रहे।